नेपाल हमेशा से ही भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश रहा है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा अगले महीने भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान भारतीय सेना उन्हें जनरल की मानद उपाधि प्रदान करेगी। नेपाली सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल गोकुल भंडारी ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा 11 जनवरी को भारत के लिए रवाना होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि 6 दिन की इस यात्रा के दौरान जनरल थापा को राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के मानक प्रमुख का पदक सौंपा जाएगा। सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। दरअसल भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुख को ये मानद पद से नवाजते हैं। ये रिवाज है जिसे दोनों देश मानते हैं। जनरल पूर्ण चंद्र थापा भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिलेंगे और कुछ रक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी जाएंगे। वे 16 जनवरी को वापस नेपाल लौट आएंगे। 6 अगस्त को नेपाल के सशस्त्र बलों की कमान संभालने वाले जनरल थापा और अपने भारतीय समकक्ष जनरल बिपिन रावत के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। जनरल रावत नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से ऐसा सम्मान ग्रहण करने के लिए जुलाई में नेपाल गए थे। उस दौरान उन्होंने नेपाली सेना प्रमुख पूर्ण चंद्र थापा को भारत आने का निमंत्रण दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।